सनातन धर्म की संस्कृति में पितरों को मोक्ष प्रदान करने के लिए गया में जाकर उनका उद्धार किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि पूर्वजों को समर्पित प्रति पक्ष में पितरों को प्रसन्न करने, उनसे क्षमा मांगने एवं उनके उद्धार के लिए गया में धाम में जाकर उनकी मुक्ति संभव है। अर्थात पूर्वजों के मोक्ष के लिए इसके सिवाय दूसरा स्थान नहीं। सोमवार को समाज सेवी बेटे संतोष यागी ने अपने पुत्र श्यामू के साथ माता कृष्णा देवी एवं पिता प्रेम नारायण को गया धाम की यात्रा के लिए रवाना किया। पुत्र ने अपनी पत्नी के साथ माता पिता की आरती उतार कर व माल्य अर्पण करते हुए उनका मुंह मीठा करवाया एवं यात्रा की मंगल कामना की। इस अवसर पर परिवार के अन्य सदस्यों ने भी उनका तिलक कर यात्रा की मंगल कामना की। पूर्व में अध्यापक रहे प्रेम नारायण ने बताया कि पितरों के मोक्ष के लिए गया से बड़ा कोई स्थान नहीं, ये स्थान पूर्वजों के तरण तारण के लिए ही है। ऐसा कहा जाता है कि सनातन धर्म में पितरों का मोक्ष होना जरूरी है। मोक्ष न होने की स्थिति में उन पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, जिस कारण वो इस नरक युगी जीवन में भटकता है। उनकी मुक्ति के लिए ही गया धाम अर्थात मोक्ष धाम में जाकर उनका उद्धार किया जा सकता है।